नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं अनकवर्ड खबर। वैसे तो भाजपा में बस दो ही लोग नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी बड़ा कद रखते हैं और कभी कभी सुर्खियों में भी आ जाते हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देते हुए कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गए और कह दिया, अरे पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह जी चुनावी रैली के दौरान कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुपचाप देखती रहती हैं। यही नहीं, राजनाथ सिंह जी तो भावनाओं में ऐसे बह गए कि उन्होंने मोदी जी से भी दो कदम आगे बढ़कर वो गारंटी दे दी जिससे मोदी भी बचते रहते हैं, बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, निर्वस्त्र करके ना घुमाने की गारंटी दे दी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी, मणिपुर के लोगों ने तो झंडा फहरा दिया था ना, भाजपा का फिर वहां किसने मां का दूध पिया था जो मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र करके वहां घुमाता रहा? आखिर किसने ये होने दिया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 216 लोगों को वहां तड़पा तड़पा कर मार दिया गया और कौन आंख बंद करके वहां आराम से सोता रहा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आखिर ये सब किसने होने दिया कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी भाजपा के मंत्री को जान बचाकर भागना पड़ा? आखिर किसने होने दिया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। महीनों तक मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे, लेकिन फिर भी राजा विदेशों के मजे लूटता रहा। आखिर कौन था वो राजा, बता दीजिए राजनाथ सिंह जी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना राजनाथ सिंह जी पश्चिम बंगाल में कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दो, फिर देखते हैं किसने माँ का दूध पिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी, मणिपुर ने तो झंडा लहराया था, वहां ये सब कुछ खुलेआम होता रहा, होने दिया गया और आपके साहब आंखें बंद कर या आंखें फेर कर मदमस्त रहे, कभी पलट कर नहीं देखा मणिपुर को। तो क्या मान लिया जाए राजनाथ सिंह जी एक बार भाजपा का झंडा लहरा दो तो मणिपुर की तरह चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हो जाएगी? सही है ना, आखिर आज देश को बता ही दीजिए कि जब मणिपुर में भी भाजपा का झंडा था तो फिर मणिपुर की तबाही का जिम्मेदार कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मणिपुर के बच्चों को माओं की गोद से खींचकर शरणार्थी शिविरों में पटकने का जिम्मेदार कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। सच बता दीजिए, आज राजनाथ सिंह जी हमारी पहलवान बेटियों के सीनों पर हाथ मारने वाले आरोपी को किसने बचाया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सच बता दीजिए राजनाथ सिंह जी, आखिर कौन है इस कमर तोड़ महंगाई का जिम्मेदार? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज सच बता दीजिए राजनाथ सिंह जी कि हमारे नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में झोंकने वाला कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये भी बता दीजिए राजनाथ सिंह जी कि इस नौजवान पीढ़ी को इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद भी पकौड़े तलने की सलाह देने वाला कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। सच बता दीजिए राजनाथ सिंह जी कि आखिर किसने 400 का गैस सिलेंडर 1100 का कर दिया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आखिर देश के बड़े बड़े उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेच देने का जिम्मेदार कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। राजनाथ सिंह जी, आज ये भी बता डालिए कि मुसलमान को लेकर नफरत का एजेंडा कौन चला रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये भी बता दीजिए कि मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराकर वोट कौन बटोर रहा है या कौन मांग रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब ये भी बता दीजिए राजनाथ सिंह जी कि देश के बहुसंख्यकों की संपत्ति छीन कर, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को बांटने का झूठा अभियान कौन चला रहा है?
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आखिर आज राजनाथ सिंह जी ने वो सारे सच बोल दिए जिनके जवाब देश जानना चाहता था। मानना पड़ेगा राजनाथ सिंह जी शेर हैं शेर। बस इतना ही। आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत से सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे।